KSN 24 पल पल की खबर। गौरेला के गुम्बाटोला गांव में आज एक किसान पर गोली मारने की वारदात सामने आई है। घटना के बाद उन्हें गंभीर हालात में बिलासपुर रिफर कर दिया गया है, तो गौरेला पुलिस और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। मामला गौरेला थाना क्षेत्र के मध्य प्रदेश सीमावर्ती गांव गुम्बाटोला के चिकनी टोला का है, जहां पर रहने वाले बाबूलाल सिंह गांव के एक बड़े किसान हैं। आज वे गांव में ही स्कूल के पास खेत में जोताई का काम करवा रहे थे, जिसके बाद वे किसी काम से वहां से गुम्बाटोला जाने वाले सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल से निकले ही थे कि तभी घात लगाकर झाड़ियों के पीछे से उनके ऊपर फायरिंग की गई। हालांकि बाबूलाल को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है और वे आगे बढ़ गए। महज 20 मीटर आगे जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर से खून निकल रहा है, जिसके बाद वे तुरंत अपने घर गए और परिजन उन्हें गौरेला जिला अस्पताल इलाज के लिए लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालात को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर कर दिया। वहीं बाबूलाल ने उन पर फायरिंग के पीछे जमीन विवाद को कारण बतला रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने भी फायरिंग की तेज आवाज सुनाई देने की बात बताई है। घटना की सूचना पर गौरेला पुलिस दल बल और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दिन दहाड़े गांव में फायरिंग की वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस पूछताछ के लिए कुछ ग्रामीणों को भी थाने लेकर गई है। नहीं, मैं सोचा कि बड़ा फड़ाका फूटा है वहाँ करके, फिर वहाँ से देखा तो धुआं ऊंचा बहुत, फिर मैं कहूँ ऐसे फड़ाका उड़ाका फूटा होगा। फिर वहाँ से टर्निंग आया ठाकुर साहब, उसके 10-15 मिनट बाद घर में फिर देखा तो खून यहाँ, फिर गए घर में, फिर लगाया 112 को, उसके बाद फिर 112 आने के बाद फिर यही आए, फिर खुलवाए यहाँ फाटक, उसके बाद फिर देखा वहाँ खोज रहा, वही परचेस में पड़ा था, फिर वही देखे। फिर कितना बाबूलाल ठाकुर घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया है, इस सूचना पर भी सीधे हम गांव पहुंचे हैं, तो गांव में गांव वाले बताए हैं कि यहां धमाके की आवाज हुई और बाड़ी तरफ से जो अपने चिकनी टोला पारा है, जो मिडिल स्कूल है उसके सामने जो खेत है उस तरफ से धुआं देखा गया है, और बाबूलाल स्कूल तरफ से आकर गुम्मा टोला तरफ जा रहे थे, तो उनको गीला गीला लगा, तो उन्हें चेक किया तो ब्लड निकला हुआ दिखा, तो वापस घर आए और घर से फिर वो वैन से अस्पताल गए हैं। अभी तक ये जानकारी मिली है, अभी तत्काल पुलिस मौके पर जांच कर रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद ही कुछ बताऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24।